एहसन इकबाल को बार बार खामोश रहने का पैगाम दिया गया, लेकिन वो सच्चाई के साथ बोलते रहे। इसी पादाश में आलमी गदागरों और झूठे चोरों ने उन्हें गिरफ्तार करा दिया। मरियम औरंगजेब का इल्जाम, कहां नैब नियाजी गठजोड़ सामने आ गया। एक खास साजिश और गैर मुल्की फंडिंग से वजीर आजम को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान मुल्क के गद्दार हैं, आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालबा कर दिया। नैब इसलिए कह रही है कि एहसन इकबाल ने तावुन नहीं किया क्योंकि तावुन का मतलब है खामोशी, तावुन का मतलब है जबान बंदी, तावुन का मतलब है सच ना बोलो, तावुन का मतलब है इमरान खान के जो नालायकी और ना अहली है और चोरी है उसको बेनकाब करो, तावुन का मतलब है कि इसको आलमी गदागर ना बोलो, तावुन का मतलब है कि ना बोलो कि तमाम करप्टों का टोला इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है। नैब के तावुन का ये मतलब है। और हाँ, नहीं किया एहसन इकबाल ने ये तावुन और ना करेगी मुस्लिम लीग नून ये तावुन। देखिए, जो मुल्क बेच देते हैं IMF को, मुल्क को हवाले कर देते हैं, जो फॉरेन फंडिंग में बैरूने मुल्क से पैसा लेकर यहाँ तरक्की के मंसूबे रोक देते हैं, कि ये जो नैब न्याजी गठजोड़ है ये उसका आज एक और सबूत है। और ये जो एहसन इकबाल साहब को बड़े दिनों से ये इतला थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहा जाता था चुप कर जाओ। देखिए, मेरी नजर में यही रीजन बनी कि वो बहुत फाल थे और 15-16 महीने से वो डटे रहे, सच बोलते रहे।